नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के सबसे पॉश इलाके में मौजूद BIC के कई बंगलों को कौड़ियों के भाव में धन कुबेरों को बेचने का मामला सामने आने के बाद BIC के दोषी अफसरों पर गाज गिरने की पूरी तैयारी है। जांच में यह बात सामने आ रही है कि 800 करोड़ की अनुमानित कीमत वाले अंग्रेजों के जमाने के इंसानदार बंगलों को मात्र 72 करोड़ में धन कुबेरों को बेच दिया गया। इस खेल में BIC के आला अफसरों की साठ घाट सामने आ रही है। फिलहाल ऐतिहासिक महत्व वाली अरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव खरीदने वाले धन कुबेरों के अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि इन बंगलों को खाली करवाने का नोटिस आ गया है। कभी अंग्रेजों के स्वामित्व में रही ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के 19 बंगलों को साल 2003 में शहर के धन्ना सेठों को बेच दिया गया। उस समय इन बंगलों की अनुमानित कीमत तकरीबन 75 करोड़ थी। आज इन संपत्तियों की अनुमानित लागत तकरीबन 800 करोड़ है। बताया जा रहा है कि BIC के अफसरों की मिलीभगत से इन धन कुबेरों ने साल 2003 में निर्धारित कीमत का केवल 25% भुगतान किया और 19 बंगलों के मालिक बन गए। इन आलिशान बंगलों को खरीदने वालों में PC कुरेले, मिसर्स जॉर्ज एंड सन्स, मिसर्स शीलिंग हाउस स्कूल, मिसर्स SPFL प्राइवेट लिमिटेड, भार्गव प्राइवेट लिमिटेड, हिडन ब्यूटी डेवलपर्स, बालाजी कंस्ट्रक्शन, कमल किशोर चौरसिया, आनंद कुमार चौरसिया, MVR बिल्डर्स, फ्लोमोर बिल्डर्स, फैजान मलिक, एस तिवारी, TP गुप्ता, सुशांत तिवारी, MG डेवलपर्स एंड मिर्जा टर्नर्स लिमिटेड, मिसेस अमेजॉन एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मिसेस SPFR रियल एस्टेट शामिल हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनाए गए इन बेहद खूबसूरत और आलिशान 19 बंगलों में नॉर्मन हस्ट, क्लॉक टॉवर, मॉर्टन लॉस, निर्बॉन ग्लेन व्यू, ग्लेन लॉस, जंगल एनेक्सी, एल्डिन अबाउट फोर्ट, एयरडॉल पॉम, विस्टेरिया, BIC क्लब, वुडलैंड, न्यू पैलेस, सीशामन, मैफिल्ड, मैक्राबर्टगंज पार्ट 1 तथा पार्ट 4 शामिल हैं। यही सभी बंगले हैं शहर के पॉश इलाके खालासी लाइन, चुन्नीगंज सिविल लाइन, पार्वती बंगला रोड पर स्थित है। इन बेशकीमती संपत्तियों के बिकने के 3 साल बाद साल 2006 में कपड़ा मंत्रालय में अफसरों के इस काले कारनामे की शिकायत की गई। मामला बढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर जा पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने CBI को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। 19 नवंबर 2018 को CBI ने BCI के पूर्व कंपनी सचिव KC वाजपेयी सहित SDM KS दुग्गल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उम्मीद जताई जा रही है कि इस घोटाले की जांच कर रही CBI की रिपोर्ट भी जल्द ही आने वाली है। इसके बाद गुनाहगार अफसरों और खरीदार बने धन कुबेरों के खिलाफ कड़ी